मधुमक्खी आ जा तू। गाओ पीटर गाओ। मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। पीटर, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं होगा पापा, मैं गा रहा हूँ ना। हेनरी ने कहा गाने से मक्खियाँ नहीं काटती। मुझे नहीं काटना। पीटर रुको, वो काट भी सकती है। नीचे उतरो। पीटर, तुम्हें सचमुच थप्पड़ की जरूरत है हेनरी। मैंने क्या किया? पापा ने ही तो कहा था कि पीटर की हेल्प करो, तो मैंने कर दी। इसे हेल्प कहते हैं? तो आप ही बता दो किसे कहते हैं। पीटर, चलो हेनरी। आइडिया, सकते। जितनी जल्दी हम उस सड़े लेक तक पहुँचेंगे, उतनी जल्दी मैं घर जाके टीवी देख सकता हूँ। चलो चलो जल्दी भागो, कितना मजा आ रहा है। ये हुई ना बात हेनरी। चलो चलो। इधर काटा, उधर काटा, काटा काटा। चल रे बोंधुराम, जो लास्ट पहुँचेगा वो अंडा। देखो मुझे लेक मिल गया। जल्दी आओ, एक शॉर्टकट है। मुझे पता था वो एंजॉय करेगा। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। गोल गोल रानी, कितना धीरे चल रहे हैं। मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगे। गोल गोल रानी, गोलम गोलम रानी, कितनम कितनम पानी। इनकी वजह से मेरा टीवी टाइम मिस हो रहा है। इन्हें कैसे जल्दी चलाओ। ओह, क्या बात है। चलो मैं पहले जाऊंगा। वैसे ये गाय तो नहीं लगती। हाँ, ये तो सांड है। ओ। वाह, क्या बात है। और वो रहा लेक। हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। उस सांड ने तो हमारा दम ही निकाल दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव में कुछ भी हो सकता है। ना, 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 ना। बस करो हेनरी, तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो। क्या कर लेगा, वो तो अंदर है। ओ नो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस तरफ। हम लेक में पहुंच गए, अब क्या हम घर जा सकते हैं? देखा, तुम्हें भी सर्दी हो गई ना हेनरी। तुम एक काम करो, यहाँ पे आराम करो। ठीक है माँ। अगली बार हम वॉक पर सिर्फ गार्डन में ही चलेंगे। खराब कर दिए। अगली बार उन्हें पहनकर बाहर मत निकल। और मुझे नेचर प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ नहीं मिला। ये कैसा रहेगा लल्लू? मामा, नहीं नहीं नहीं, मामा। और साथ में ढेर सारा पानी, वो भी फ्री में। मामा। और आप देखिए अपना फेवरेट प्रोग्राम लगातार 3 घंटे तक। यस।
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब कल सुबह पैसे मुझे मिलेंगे। कहाँ है मेरे पैसे? मामा, डैड, हेनरी, मुझे दांत के बदले 10 रुपए मिले हैं। क्या 10 रुपए? पर दांत तो मैंने रखा था, ये नहीं हो सकता। मॉम, बोलो हेनरी। मॉम, अगर किसी का दांत गिरा पर वो गिरा हुआ दांत उसके तकिए के नीचे नहीं है और किसी और के तकिए के नीचे मिला, तो कैसा पता चलेगा कि गिरा हुआ दांत किसका है? हेनरी, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? नहीं मॉम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसे ही पूछ रहा था? वैसे दांत किसका टूटा है ये पता लगाना बहुत आसान होगा हेनरी। कैसे? जिसका दांत टूटा होगा उसके बीच में गैप होगा। गैप? हाँ वही तो। ओके चलता हूँ माँ। हेनरी, ये कोई जगह है बैठने की? मार्गरेट, चुप कर हेनरी। तुम वहाँ उस गेट से नहीं आ सकते थे, ये कोई तरीका है आने का? ये एक इमरजेंसी है, मुझे तेरे दांत चाहिए। हाँ? उफो, तेरे ड्रैकुला वाले गंदे कॉस्ट्यूम के दांत। अब समझ में आया? ओ अच्छा, इसके बदले तू क्या करेगा? इसके बदले में ये ठंडा ऑरेंज जूस चाहिए। दांत चाहिए कि नहीं हेनरी? आप ऑरेंज जूस लेंगे सुंदर मैडम? ओ थैंक यू हेनरी, क्यों नहीं, जरूर। क्या मुझे पीने के लिए एक स्ट्रॉ मिल सकता है? स्ट्रॉ चाहिए। दांत चाहिए कि नहीं? थैंक यू भी लिख देता हूँ, शायद 10 रुपए और मिल जाए। कितना स्मार्ट हूँ ना मैं। अब दांत भी टूट गया और गैप भी हो गया। अब देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। कौन चोरी कर रहा है मेरा दांत? हाँ? म्याओ म्याओ। यस, पैसे 10 रुपए। यस, अब मैं अमीर हो गया हूँ। यस। क्या? ये तो रबर का है, ये नहीं हो सकता, ये तो नकली है। हेनरी, इसी वक्त नीचे आओ। आ रहा हूँ मम्मी। इसमें लिखा है कि झूठे काम के लिए मिलेगा ठेंगा। हेनरी, तुम नीचे आ रहे हो या मैं ऊपर आऊं? बकवास है ये सब। हेनरी, चॉकलेट से भरी जार खाली कैसे हो गई? म्याओ, ची 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 ची, म्याओ म्याओ, कितनी बदमाश हो गई हो तुम। थप्पड़ पड़ेगा ना हेनरी, तुम झूठ मत बोलो। तुमने खाए हैं सबके सब, एक महीने के लिए कोई चॉकलेट नहीं। क्या मॉम, आप ये नहीं कर सकती। डैड, आप तो कुछ बोलिए ना। मुझसे कहोगे तो 2 महीने के लिए बंद कर दूंगा। जी आई, ये ठीक नहीं है। चॉकलेट नहीं तो मैं खाऊंगा क्या? तुम एप्पल खा सकते हो। एप्पल? ओ आ, क्या हुआ? मुझे, हाँ देखिए, मेरा दांत हिल रहा है। देखो तो, हाँ हिल तो रहा है। है ना, हिल नहीं रहा है मॉम, जोर से हिल रहा है एकदम। बस एक बाइट में एप्पल अंदर और दांत बाहर। अब तो लेकर ही रहूंगा मेरे 10 रुपए। हाँ, मैं दांत निकल गया। नहीं। So easy being
सॉरी यार हेनरी। रहने दे। चल कुछ और करते हैं। जाओ यहाँ से लिली। कितनी गंदी है। हाँ, कूल है ना? हेनरी सुनो तो। आराम से, टूटा हुआ है पहले से ही। चल पिलो फाइट खेलते हैं। डॉगीज ने फाड़ दिए। तेरे खिलौने कहाँ हैं? उन्होंने ही तोड़ दिए। कार्स? डॉगीज। कॉमिक्स? डॉगीज। तू अपने खिलौने नहीं लाया? नहीं, भूल गया। चलना थोड़ी देर टीवी देखते हैं। मेरा नाम है बेन टेनिसन और मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वो क्या बोला? बेन टेन ने कहा कि उससे एलियन को मारना होगा शायद। एलियन? कौन सा एलियन? मैंने तो इस एपिसोड में कोई एलियन देखा ही नहीं। ओह, जान छूटी। ओ निकी, फाइनल राउंड के लिए आवाजें कम पड़ रही हैं। तू और तेरा दोस्त हमारी मदद करेंगे। तुम दोनों गाने वाली परियां बनोगी। ओ मम्मी, पिछली बार भी आपने मुझे परी बनाया था। सॉरी, पर मेरे सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट। तुझे, तू डर गया क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, पर मेरे सोने का टाइम हो गया है। और वो तूने ही कहा था ना कि तू अपने मन की करता है। हाँ, कहा तो था। हे, तेरे पास पानी है ना? हाँ। और एक पाइप? हाँ, पर डॉगीज। डॉगीज चुपचाप सो जाते हैं। ये थकते नहीं है क्या? मैं रेडियो चला देता हूँ, शायद तुम्हें नींद आ जाए। ओ हाँ, इससे क्या होगा यार? चल बेटा हेनरी। Come on, Henry, ले लो एक बड़ा सा पाइप। एक बज गए। बड़ी देर से फोन आया। मैं हेनरी के लिए माफी चाहता हूँ। डैडी, ये मैं हूँ। हेनरी? डैडी, मुझे प्लीज यहाँ से ले जा। It's so easy being
सच का। वैसे लीडर रहूंगा मैं। और मैं हूँ सेकंड लीडर। पर तू कैप्टन है, कैप्टन। वाओ, मैं तैयार हूँ। पर हम लोग प्रैक्टिस कब करेंगे? अरे प्रैक्टिस वैक्टिस छोड़, दुनिया वालों हमारे तो मेरे साथ ही हो, तैयार हो तुम? हाँ, रोने के लिए, क्योंकि फर्स्ट आएंगे हम और तुम आओगे लास्ट। हाँ लास्ट। अगर मार्गरेट सच में फर्स्ट आई और हम लास्ट आ गए तो क्या होगा? अरे चिल यार, मैंने सब सोच लिया है, जीतेंगे तो हम ही, समझे? गुड आफ्टरनून, और स्वागत है हमारे आज के पहले टैलेंट कॉम्पिटिशन में, और पेश है एल, जो आपको एंटरटेन करेगा होके उल्टा पुल्टा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, दो, दस, एल, नहीं, स्पाइडर। आगे देखेंगे ब्रायन के दिमागी झटके। मुझसे जो सवाल करना है करो और मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। टेलीफोन किसने बनाया? इजी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बताओ इंडिया का कैपिटल कौन सा है? सिंपल, दिल्ली। एक चॉकलेट के डब्बे के बदले मैच टेस्ट में लिंडा को चीटिंग किसने करवाई थी? मैंने करवाई थी। चलो अभी मुझे तुमसे बात करनी है। काफी जोर का झटका लगा है और अब बारी है मार्गरेट और उसकी बोलती हुई डॉल सूज़न की। एक काली चींटी ने सफेद चींटी के कान में धीरे से क्या पूछा? तू कौन सा पाउडर लगाती है? बेवकूफ, ये लाइन मेरी थी, तुम्हें बोलना था, मुझे नहीं पता। अभी बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता। कितना अच्छा कर रहे हैं। उन्हें देखकर लोग कितना हंस रहे हैं। तो क्यों ना लोगों को कुछ और हंसाया जाए। ओहो, ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जिससे अपनी जीत पक्की हो जाए राज। कुछ तो बोलो बुद्धू जॉन। अब आया मजा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हेनरी। बाप रे बाप, अब बंद कर लीजिए अपने कान, क्योंकि आ रहे हैं सबसे शैतान हेनरी के बदमाश हीरोज। टू थ्री फोर। हेनरी चीटिंग कर रहा है। रुक जा भाई। छोड़ो मुझे। नहीं। वो हमें उल्लू बना रहे थे। झूठे कहीं के। मेरे ऑफिस में चलो, और तुम भी राल्फ। मेरा छोटा भाई पीटर जीतने वाला है, आखिरकार मैं वो शो देखने वाला हूँ। यहाँ आओ बदमाश लड़के। वेरी गुड पीटर, मेरा प्यारा बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया कीड़े, किसने सोचा था कि तू जीतेगा और मैं अपने फेवरेट शो के लिए जाऊंगा। कम से कम पनिशमेंट तो वसूल हुई। गो गो सिंह। ये क्या? मजा आएगा ना हेनरी? हम सब देखने चलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। क्या नहीं?